गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस इन पावर शेयरिंग सिविक्स क्लास 10 क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पावर शेयरिंग एंड हाउ इम्प्लीमेंटेड इन डेमोक्रेटिक कंट्री और व्हाट गिव द पावर शेयरिंग टू ए कंट्री दैट्स लाइक Belgium, that's peaceful. Or when we talking about Sri Lanka, it gives civil war. तो एक लाइन तो स्पष्ट से कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग होने से जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल ग्रुप में वो कम होता है, लेकिन जब इसको 3 marks में लिखना होता है तो क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे तो उसके लिए दो तर्क लेंगे, दो व्यू लेंगे. पहला जो है वो है आपका प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन. तो एट फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन ये होता है युक्तिपरक या समझदारी पूर्वक. तो ये क्या देता है, इसके व्यू से क्या देता है, इट्स गिव्स आउटकम्स. ये हमेशा क्या देता है, आउटकम्स, रिजल्ट. पावर शेयरिंग होने के बाद कंट्री में क्या होगा वो. दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट कम डाउन, इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट होता है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो पॉलिटिकल में जो सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट है जो विवाद है उसको वो हमेशा कम करता है. मोर स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग होने के बाद जो गवर्नमेंट है वो मोर स्टेबल हो जाता है इन पॉलिटिकल सेटअप. देश में जो सरकार है वो स्टेबल होता है, इनस्टेबल नहीं होता. ये सब प्रेसिडेंशियल रीजन में हम देख रहे हैं. उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, मेजोरिटी नोट अंडरमाइन द राइट ऑफ माइनॉरिटी. ये आपने बेल्जियम के केस में भी देखा था कि मेजोरिटी जो है वो कभी भी माइनॉरिटी को दबाएगा नहीं. उसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत गेन और लॉस का हम चर्चा करते हैं. गेन्स और लॉस का क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इसका भी हम चर्चा करते हैं कि पावर शेयरिंग होने के बाद. उसके बाद क्या बताता है, ये जो है प्रूडेंशियल रीजन जो है वो ये भी बताता है पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पावर शेयरिंग. ये पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को भी बताता है. तो पहला जो आपका आया प्रूडेंशियल रीजन, इसके तहत हम चर्चा करेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग डिजायरेबल है लेकिन क्यों है, तो उसके लिए क्या करना है इस रीजन से. दूसरा आपका है मोरल रीजन. मोरल रीजन आप जानते हैं नैतिक, हर एक आदमी का मतलब कि मोरल होता है, लोग उस मोरल में बने हुए रहना चाहते हैं, उससे नीचे नहीं जाना चाहते हैं, तो वही मोरल रीजन. तो ये क्या देता है, ये वैल्यूएबल है, मोर वैल्यूएबल है. और दूसरा क्या है कि ये जो होता है वो गुड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है. अगर मैं 9th class में आपको बताया था डेमोक्रेसी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है ऐसा कुछ नहीं है. तो उसी तरह का बात यहाँ पे है कि अगर डेमोक्रेसी है और पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो कौन क्या है, वो पावर शेयरिंग, उसकी आत्मा है ये पावर शेयरिंग. उसके बाद बोलते हैं कि ये गवर्न, ये जो पावर शेयरिंग है वो पीपुल के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों को शासन चलाना है. आप जानते हैं डेमोक्रेसी में बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, तो खुद लोगों को ये डिसाइड करना है कि हम कैसे गवर्न करें. तो ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, इन पॉइंट के आधार पे हम इसको चर्चा करेंगे. पहला रीजन मैं बताया प्रूडेंशियल और दूसरा मोरल. इसमें आप बात करेंगे सारे पॉइंट को, ये आउटकम्स देता है, ये वैल्यूएबल होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, ये स्टेबल होता है, ये मेजोरिटी को, मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाते नहीं है, गेन और लॉस इसमें देखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, इन सारे पॉइंट का हम चर्चा करेंगे. और उसके बाद मोरल रीजन जो है वो क्या होता है, ज्यादा वैल्यूएबल होता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्न, कैसे लोग गवर्न करेंगे. तो पहले मैं उसको लिखता हूं और फिर इसकी चर्चा करते हैं. ठीक, प्रूडेंशियल रीजन में अभी क्या बताया कि आउटकम्स देते हैं. तो पहला पॉइंट आपका क्या होता है कि पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. ये आपने देखा कि पावर शेयरिंग जहां होगा वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये एक पॉइंट हुआ. दूसरा क्या हुआ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो समाज में जो इथनी सिटी है उसमें जो झड़प होता है, उसमें जो विवाद होता है, वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस, वो आगे जाकर के वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सामाजिक जो सरकार की अस्थिरता है. जैसे आपने देखा होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो सब अपनी तरफ उसको खींचते रहते हैं अपने हित के लिए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. लेकिन पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर.
पावर शेयरिंग होने के बाद जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो सामाजिक जो सरकार का जो गवर्न है, मतलब 5 साल का जो उनका दायरा है वो स्थिर रहता है, न कि बीच में उस पे खतरा आता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो कम करता है। ये दो पॉइंट किसमें लिखेंगे, प्रूडेंशियल में। अभी आपने देखा था उसका कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस दोनों को वो चर्चा करता है। उसके बाद आता है कि मोरल लीजन में क्या चर्चा करते हैं, कि मोरल लीजन में आता है कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी का जो है वो बेसिक स्पिरिट है, वो आत्मा है। तो अगर डेमोक्रेसी है किसके लिए, पीपुल के लिए, तो क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए, हर एक स्तर पे होना चाहिए, पंचायत स्तर पे आपने देखा होगा, ब्लॉक स्तर पे, ऐसे करके वो सभी जगह पे होता है ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उसमें हो। उसके बाद पीपुल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। चूंकि गवर्न किसको करना, पढ़ना किसको है, आपको, आप चाहे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े या लेट नाइट रात में जाग करके पढ़े, पढ़ना आपको है, किस तरह से पढ़ना है, नेट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ये आपको डिसीजन लेना है। उसी तरह का बात है कि जनता के लिए ये सरकार बना हुआ, तो वो कैसे गवर्न करना है ये जनता को ही डिसीजन लेना है। तो ये मोरल रीजन में लिखेंगे। मोरल रीजन क्या है, मैंने अभी बताया था कि मोर वैल्युएबल है, और प्रोडेंशियल क्या है, ये आउटकम्स देता है। तो इन दोनों बात को लेकर के आपको इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे फिर मैं एक बार और चर्चा करता हूँ कि अभी आपने देखा होगा ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी का, तो एक होता है क्या कि ट्रेनी माने आतंक जो है वो मेजोरिटी का जो आतंक है वो माइनॉरिटी को दबाने के लिए किया जाता है। शुरू में वो ठीक रहता है, आप देखेंगे जैसे श्रीलंका के केस में, लेकिन बाद में जो है ये बहुसंख्यक जो माइंड जो मेजोरिटी है उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा बन जाता है। श्रीलंका के केस को लेकर के देखिए, मतलब क्या हुआ कि अगर मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाते हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, तो क्या होगा कि माइनॉरिटी को वो कमजोर होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन बाद में ये जो दबाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, वो मेजोरिटी को अस्तित्व को ही खतरा में डाल देगा। और तीसरा बात कि देश के एकता यूनिटी जो है उस पे ही संकट आ जाती है। तो पावर शेयरिंग होने से इस तरह का बात नहीं आता है। तो इसीलिए लिखेंगे पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई डिजायरेबल, तो सबसे पहले लिखिएगा जहां पे पावर शेयरिंग होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सोशल ग्रुप में आपने देखा होगा, जो सोशल ग्रुप है हमारा 3, बेल्जियम में आपने खास करके देखा होगा कि जर्मन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, 1% जर्मन था लेकिन उनको भी पावर दिया गया, तो वहां पे नहीं हुआ, वो एक मॉडल बन के उभरा। उसी तरह का बात यहाँ पे आता है कि ये डिजायरेबल है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखेंगे कि खास तरह के पावर शेयरिंग देखा जाता है। पावर शेयरिंग है, स्टेबिलिटी है, ठीक। अब उसके बाद ये मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन करके आप दो दो पॉइंट बना दीजिएगा। ये 3 मार्क्स के लिए आपको फ्रेम करना है। 1 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको क्या बताना है कि यस, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ओके, तो यही बात आपको लिखना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि हमको कैसे लिखना है, मतलब कि पॉइंट आपके पास रहना चाहिए, कॉन्टेंट आपको आपके पास रहना चाहिए, लिखना आपके पास है, ठीक। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।